नमस्कार दोस्तों, मैं पार शर्मा। आज आपको रूबी स्टोन के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे माणिक भी कहा जाता है। माणिक सूर्य का स्टोन माना जाता है, मतलब ये सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य ग्रहों का राजा होने के कारण इस माणिक को रतनों का राजा भी माना जाता है। ये कई लाल रंग में पाया जाता है, जैसे गहरा लाल, लाल और गुलाबी रंग में भी ये उपलब्ध होता है। ये कई खदानों से आता है, जैसे बर्मा हो गया, अफ्रीकन हो गया, बैंकॉक हो गया और जॉनसन हो गया, ऐसे कई खदानों से ये रूबी आता है। इस रूबी में सबसे अच्छी क्वालिटी अगर मानी जाए तो वो होती है अफ्रीकन और बर्मा। ये जो खजाना यहाँ से जो रूबी आता है, ये काफ़ी ही बहुत फ़ायदेमंद होता है और बहुत जल्दी आपको बेनिफिट देता है। फिर बात आती है बैंकॉक की। बैंकॉक जो आता है उसमें हीटेड और ट्रीटेड आता है, इसके वजह से इसका जो प्रभाव होता है थोड़ा कम होता है, बट प्रभाव ये भी देता है। अगर माणिक की बात करें तो ये बहुत ही प्रभावशाली स्टोन माना जाता है, इसलिए इसे राजरतन के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए और इस स्टोन का बहुत अच्छा प्रभाव पॉलिटिशियंस या गवर्नमेंट जॉब वालों को मिलता है, जिनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस कमज़ोर है उनको भी, उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये। हमको प्रभावशाली और हमें काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस देता है। इस स्टोन को पहनने की विधि मैं आपको बताता हूँ। इसको हम एक तो गोल्ड और पंचधातु में पहन सकते हैं। गोल्ड में हम इसको पहन करके अंगूठी बना करके इसकी रिंग फिंगर यानी अनामिका जो हमारी अंगूठी उंगली होती है, हम इसमें इसको धारण कर सकते हैं। इस स्टोन को धारण करने से पहले कुछ विधियां हैं जो मैं आपको बता देता हूं इसको कैसे धारण करना है। इसको धारण करने से पहले आपको इसको साफ़ करना पड़ेगा या इसको शुद्ध करनी पड़ेगी, जो हम गंगा जल और कच्चे दूध से हमको इसको करना पड़ता है। सुबह के वक्त रविवार के दिन हम इसको 10 बजे से पहले हम इसको कच्चे दूध और गंगा जल में इसको धो सकते हैं। उसके बाद 10 बजे से पहले पहले हम इसको सूर्य की रोशनी में आकर के इसको धारण करें, इससे इसका प्रभाव और भी अच्छा हो जाता है। इसके साथ साथ हमको इसको रविवार के दिन धारण करना चाहिए, क्योंकि सूर्य का जो दिन होता है वो रविवार होता है। ठीक है दोस्तों, और इसका मंत्र मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन से मंत्र जाप करके इसको धारण करना चाहिए। ओम ह्रीम सम सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करके आप इसको धारण कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को पूरी देखने के लिए, और हमारा आगे भी आपको ऐसे ही कार्यक्रम में हम आपको बाकी स्टोनों के बारे में बताते रहेंगे कि कौन कौन से स्टोन आपको कब और किस राशि के लिए पहनने चाहिए। और भी अगर आपको इंक्वायरी चाहिए स्टोन्स के बारे में कहाँ से हम लें, तो आप हमारी वेबसाइट राशि रतन से सर्टिफाइड नेचुरल जेम स्टोन भी बाय कर सकते हैं। हम आपको बिल्कुल सर्टिफाइड और नेचुरल जेम स्टोन देते हैं, जो सबसे अच्छे क्वालिटी और सबसे अच्छे दामों पे यहाँ पे उपलब्ध किए जाते हैं। धन्यवाद।